गुड इवनिंग, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक. टुडे मॉर्निंग आई अपलोडेड ए वीडियो रिगार्डिंग SBI जूनियर एसोसिएट क्लर्क एग्जाम 2020. नाउ द मोमेंट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, मैनी ऑफ आवर सब्सक्राइबर आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड वी हैव स्टार्टेड सीरीज ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो. But some of the candidates, those have marginally missed last year, they got worried. They are assuming that wait list will not come. It is not so. Wait list is part of 2019 selection, and there will be 3 wait list. And wait list is always equivalent to 50% of vacancies. Last year, joining happened in December, so first wait list came in January, second in April, and third in August. This time joining is happening on 13th of January. So you can expect first wait list either in the end of February or March, first week. So if February first wait list comes, second will come after 3 months, that means May, and third may come as usual in August. That is what I am anticipating. SBI has not made anything public as yet. Last year, in response to RTI, they told us the dates also. It was 20th of these months. So waitlist will come. You need not worry if you are marginally miss the bus in the main list. There is a very fair chances that you may get through in the wait list, because this time joining may not be more than 60% of selected candidates. So most of the candidates, those are in waiting, will get a fair chance. Now, how many numbers will be covered? It is very difficult to say, because it depends on every mark how many candidates are there. So hopes are alive. बी चेयरफुल. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज सुबह मैंने एक वीडियो डाली. इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि SBI क्लर्क का 2020 में नोटिफिकेशन आएगा. इससे सब्सक्राइबर में खुशी की लहर दौड़ गई, पर कुछ लोग वरीड हो गए, खासकर वो जो 2019 में मार्जिनली रह गए. उनको लगा शायद वेट लिस्ट नहीं आएगी. ऐसा नहीं होता. वेट लिस्ट पिछले सिलेक्शन का हिस्सा है और नेक्स्ट सिलेक्शन उससे इंडिपेंडेंट है, तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है. आपकी जो परफॉर्मेंस है वो तो SBI के पास रिकॉर्डेड है. 13 जनवरी को ज्वाइनिंग होनी है, उसके बाद वेट लिस्ट, 3 वेट लिस्ट आती है. लास्ट ईयर आई थी, लास्ट ईयर दिसंबर में ज्वाइनिंग थी, पहली वेट लिस्ट जनवरी में आई थी, दूसरी अप्रैल में और तीसरी अगस्त में. अब इस साल ज्वाइनिंग लेट है, जनवरी में ज्वाइनिंग है, तो आपको उम्मीद करनी चाहिए फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में पहली वेट लिस्ट आनी चाहिए, उसके 3 महीने बाद दूसरी और उसके 3 महीने बाद तीसरी. SBI ने कोई इसको फॉर्मली कम्युनिकेट नहीं किया है, पर ये हम लॉजिकली ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट ईयर ट्रेंड. इसमें डेटें एक दो दिन आगे पीछे हो सकती है, बट होगी. तो जो लोग मार्जिनली रह गए हैं उनका बहुत अच्छा स्कोप है कि उनका वेट लिस्ट में हो जाए, क्योंकि 60% के करीब ज्वाइनिंग होगी इस बार. 40% लोग शायद फर्स्ट जो मेरिट वाले हैं वो ज्वाइन ना करें, तो उसमें से वेट लिस्ट वालों को नंबर मिलेगा. ये मेरा अंदाजा है, क्योंकि जिस हिसाब से मल्टीपल सिलेक्शन इस बार हुई है, जो लोग SBI क्लर्क में हुए हैं वो PO भी बने हैं, दूसरे बैंकों में भी शायद PO हो जाएंगे, और RRB PO का भी रिजल्ट उससे पहले आ जाएगा. तो काफ़ी लोग जो जूनियर एसोसिएट बने हैं, और अगर उनको अफसर में मौका मिलेगा वो अफसर में ही जाएंगे. सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल.